सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम हो भाई। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इन तीन फेजों में भारत में अपने वोट का इस्तेमाल किया। में क्या बरा बुकोस कर मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट किया। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की। आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है, लेकिन बड़ी बात ये है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। उमर साहब, आपको लगता है लोगों ने वाकई सिचुएशन को समझा था, सोच समझ कर ये वोट दिए थे? फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, 1-2 घंटे से तो मैं गाड़ी में ही घूम रहा था तो लेटेस्ट पोजीशन मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें शायद उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज़ को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं, जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नज़र नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को ज़ाया ना होने दें, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आए और अपना काम करें। As grateful as I am for this vote of confidence reposed in me by the National Conference President, this is a decision for the Legislative Party of the National Conference. It is a decision to be taken by the allies together. The National Conference Legislative Party has not met. Let the National Conference Legislative Party meet. I am not staking a claim to the Chief Ministership of Jammu and Kashmir. It is for the alliance, for the elected members
to decide who they feel should lead the state over the course of the next 5 years. And that is as far as I'm willing to go. Umar sahab, what do you have to say to the voters? Umar sahab. Filhal, kal hume thoda sa is jeet ka maza lene dijiye. Mere saathi jo dur daraz ilaqon mein jeete hain, wo bhi thoda sa ek rahat ka saans le. Mujhe lagta hai ek aaj do din mein हमें अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग बुलानी होगी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुना जाएगा, फिर अलायंस के साथ बैठ के हम तय करेंगे कि अलायंस को हेड कौन करेगा। उसके बाद जब हमें तमाम लेटर्स ऑफ सपोर्ट हासिल होंगे तो अलायंस की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से वक्त लिया जाएगा और हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा वहाँ पर, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हैं कि वो अगला कदम क्या लेंगे। सर, उमर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से टू द वोटर्स? व्हाट डू यू हैव टू से टू द वोटर्स? आर यू सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस? दे हैव गॉट 6 सीट्स। तब बोन था जी पकड़ लेना कैमरा मेरा 11 to get into, should we have had more, because then that's being greedy. Hum agar aur mangte to shayad kam mil jate. Itne mile hain badi baat hai, jitne mile main uska bahut hi matlab shukr guzar. Umar sahab, aapko lagta hai coalition ke bagair bhi NC clean kar deta? How difficult will it be to run any government? I would like to believe that the honorable prime minister, and I use the word honorable because I believe he is an honorable man, he is committed publicly. I don't recall a speech of his where he said statehood will only be restored if BJP is voted to power, or that if the people of Jammu and Kashmir do not vote for the BJP they will be punished. He said that Jammu and Kashmir will be restored statehood after the elections. Therefore, once the process of putting a new government is in place, whoever the chief minister of Jammu and Kashmir is, I would expect them to travel to Delhi to meet the honorable prime minister, to meet the honorable home minister, other leaders in Delhi, and to impress upon them that the mandate of the people of Jammu and Kashmir was for restoration of statehood, was for development, was for peace, and whoever the chief minister is, I hope that they're able to establish a decent working relationship with Government of India. There are far too many problems that Jammu and Kashmir has. Jammu and Kashmir cannot afford an antagonistic relationship with the central government. We will have to find a way of working together, and I hope that the union government will respect the mandate of the people and will work together with the government of Jammu and Kashmir to resolve the problems of the people. Umar sahab, aapko lagta hai ki coalition ki tarah se Jammu ke logon ne BJP ko mandate diya hai, aapki government kaise usko balance karegi, kya reach out hoga? फिलहाल तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ से हमें समर्थन हासिल हो सकता है जम्मू से, हम वहाँ से लेंगे। अच्छी बात यह है कि कम अज कम जम्मू से एक उम्मीदवार जीता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत उन्होंने बीजेपी के सदर को वहाँ से जो है हराया है। मैं मानता हूँ कि इस मैंडेट में हमें बहुत एहतियात करना होगा कि जम्मू के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका इस आवाज़ मुझे ज़ूम बोल रहे हैं, मुझे ज़ूम बोल। मैं तो मान के चलता हूँ कि रियासत का दर्जा हमें वापस मिलता है तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोबारा कायम हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल कायम हो तो जम्मू से नुमाइंदे जो हैं वो नॉमिनेट होके आने चाहिए ताकि उनकी आवाज़ जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन में वहाँ पे बरकरार रहे। जरूरत नहीं था जो क्लीन एज फार एज द मूव टू नॉमिनेट इज कंसर्न, I believe it will now serve no purpose for the BJP to nominate 5 of its people simply to sit in the opposition. The BJP
should respect the mandate of the people. The lieutenant governor should respect the mandate of the people. These five seats should be filled by nomination, but the recommendation for the nomination should come from the elected government, which was the past practice. We had two nominated women in the assembly. Those positions were filled by the governor on the recommendation of the elected government. Let us not forget, in the past you've had a situation where Prime Minister Modi has been elected to lead a BJP government, but the President of India was Pranab Mukherjee, appointed by the Congress. Whenever people had to be nominated to the parliament by that government, Pranab Mukherjee didn't nominate people from the Congress. He nominated people on the advice of the government. I would request and I would expect that the Lieutenant Governor nominates the five members on the advice of the incoming government. Umar Saab, jo NC ko itna clean sweep mila hai, coalition ki zarurat lagti thi aapko? We don't yet have a government. We haven't yet been invited to form a government. I hope that we are. And this question can be posed to the Chief Minister once that person has taken over. Thank you. Umar Saab, Farooq Saab ka kitna isme hum credit mante hain jo Farooq Saab is umr mein khade rahe chattan ki tarah. Hamare boss hain. Humne unke matlab chhatr chhaya mein election lada. Har mandate pe Farooq Saab ka dastakhat hai. ये सारा क्रेडिट सारी कामयाबी पहले डॉक्टर पहले तो अल्लाह ताला को, उसके बाद जनाब फारूक साहब को, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने अपने असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया।